MSF and the state government agreed to initiate a pilot project for hepatitis to demonstrate that hepatitis C diagnosis and treatment can be successfully implemented at a decentralized district level health facility through general physicians. और जैसे ही मेरठ का पता चला कि प्यारे लाल में कोई ब्रांच कोई संस्था इसका इलाज निशुल्क कर रही है तो पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और वहाँ से लोग यहाँ पर आने शुरू हो गए. We started receiving more than 50 number of cases per day for initial screening and treatment, which became too high with the limited resources and the capacity that MSF had at that point of time. So MSF district based model of care for hepatitis consisted of availability of diagnostics as well as treatment in this under the same roof. So we had rapid diagnostic testing, viral load, we had all the other baseline testing, and the patients were being treated through directly acting antivirals, gave us the opportunity to take the treatment further closer to the community, and provided us the opportunity to get the treatment through general practitioners instead of specialized gastroenterologists. तो दोस्तों आज हम यहाँ पे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2019 को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं. तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा जो हेपेटाइटिस है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब उसे रोका जा सकता है, वो ट्रीटेबल है, उसका इलाज किया जा सकता है. लेकिन हेपेटाइटिस सी के केस में वो क्योरेबल है, उसका बिल्कुल खात्मा किया जा सकता है. लीवर को बचाना है, लीवर को बचाना है, सही सुरक्षित खून चाहे, सही सुरक्षित खून चाहे. एमएसएफ के आने के बाद हम लोग यहाँ एमएसएफ की टीम ने स्क्रीनिंग किया, पेशेंट्स का डायग्नोसिस किया, तो बहुत ज़्यादा जागरूकता उसमें बढ़ी है पेशेंट्स में. जब हम लोगों ने कम्युनिटी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम और आशा मीटिंग के बारे में स्ट्रैटेजी बनाया तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोगों ने फील्ड एक्सरसाइज में कुछ बातें निकल के आ गई कि सिर्फ सिरिंज के बारे में बात करना ये काफ़ी नहीं होगा, आपको बार्बर्स के बारे में बात करना पड़ेगा, आपको टैटू के बारे में बात करना पड़ेगा, आपको साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करेगा. हम ये मान के चल रहे हैं कि 600 to 700 कम्युनिटी पीपल को जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो जनरल पॉपुलेशन नहीं है, वो आशा है, आंगनबाड़ी है, क्वैक है, बार्बर्स हैं, प्रधान्स हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो सेंसिटाइज कर रहे हैं. गांव-गांव में जाके हम जब बताते हैं तो हम कहते हैं कि एकजुट हो जाओ और एकजुट होकर सबको इकट्ठा करके उन्हें समझाओ कैसे फैलता है, कैसे इसे रोकना है. तो एक मैडम थी, वो आई निकल के घर से और बोली कि हमें तो इस चीज़ के बारे में किसी ने बताया नहीं. तो मैंने फिर उन्हें अच्छी तरीके से समझाया कि देखो ये बैक्टीरिया जो होता है खून से फैलता है और इसका कीटाणु काफ़ी समय तक जिंदा रहता है. उन्होंने फिर इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, उन्होंने सबके वो बुरुस जो पुराने रखे थे वो सब फेंक दिए और नए बुरुस करते हैं. जब तक आप कम्युनिटी के साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक लोगों को समझ नहीं आएगा. आपको रिग्रस आईपी से करना पड़ेगा, ग्रुप कम्युनिकेशन सेशन करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि हमारे सोसाइटी में बिहेवियर चेंज होगा. गंदे पानी से कौन कौन से हेपेटाइटिस होते हैं? ए और सी. अच्छा, खून से कौन बीमारी होता है? बी और सी. बी और सी. बी और सी. अपने लिए तालियां पहले. It's been a great journey. The program is coming in the final stages. We hope the national program implements the same thing, especially in high burden hotspot areas where the model needs to be replicated in order to decrease the burden of the disease significantly. The challenges being faced by the program, particularly for the human resources requirement, because the workload in Meerut is going to be far more than other districts because of its larger catchment population. एक तो pharmacist बहुत जरूरी है, data entry operator for proper keeping the records, एक sister बहुत जरूरी है, इतने minimum staff जरूरी है. And the second issue is the supply chain management of the drugs. It's one of the most important part of the program that the government should ensure. One also needs to look at targeted preventive intervention. And the government and the national program, they need to do something active, community-based, for prevention, for interruption of disease transmission into the community.
If we are to achieve the goal of elimination of hepatitis by 2030, which is the WHO and the country goal, we have to further decentralize. Otherwise, किसी भी एक सेंटर पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड आएगा जो कि क्वालिटी पे भी प्रभावित करेगा और उतने लोगों को संभवतः केयर देना भी पॉसिबल नहीं है. We need to simplify the treatment approaches with through task shifting so that the healthcare workers at the community level are able to diagnose more people and treat more people. सबसे बड़ी बात यह है कि मरीज आज के जमाने में दूर नहीं जाना चाहता, अपने घर पे ही इलाज चाहता है. हो सकता है बहुत सारे मरीज अगल बगल के जनपदों में हमारे यहाँ ना आए दूरी की वजह से. अगर हम उनके घर पे ही इलाज या जनपद में इलाज मुहैया करा देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम बहुत अत्यधिक सफल हो जाएगा. During these 3 years, we have achieved the main objectives of the project, which was to demonstrate the feasibility of a decentralized district-level intervention for hepatitis C. So that having been successfully accomplished, and also the fact that the national program is rolling out countrywide and in the state of Uttar Pradesh. So that is a perfect timing for MSF to withdraw from the country and let the state authorities take over the program.